यहाँ पे देखो पूरा दुबकी लगा लगा के हम लोग स्नेल पकड़ रहे हैं। और स्नेल को मैंने भिगो के रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे एक रात तक भिगो के रखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं खाना। ये देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दिन भर में ब्लॉग नहीं बनाया और अभी आए हैं हम लोग जो है स्नेल पकड़ने के लिए, मैं और अमित दोस्त यहाँ पे नदी पे पकड़ने के लिए। तो अभी जो है एक पल को मिस करेंगे हम लोग जो है प्रेम को, क्योंकि हम तीनों आए थे पकड़ने के लिए आज से एक हफ्ता पहले। दिख गया। एक्चुअली जो है आज दिन भर इतनी गर्मी थी तो ब्लॉग बनाना मुश्किल हो गया था, रूम पे ही था मैं। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा ठंड आ चुकी है तो इसलिए हम लोग आए हैं अभी स्नेल पकड़ने के लिए। सूरज भी अभी डूबने को चला है। मिला ये। हाँ चलो अभी इधर पकड़ेंगे। अरे है स्नेल, दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे देखो पूरा दुबकी लगा लगा के हम लोग स्नेल पकड़ रहे हैं। मिला। यहाँ पे मेरे हाथ में एक है दोस्तों, और यहाँ पे नीचे पे मुझे दो दिख रहे हैं, वो ब्लैक ब्लैक, वहाँ पे एक, यहाँ पे एक, उसे भी उठाता हूँ अभी। अभी देखना, थोड़ा गहरा है पानी लेकिन बहुत प्रेस है। अरे क्लेम एक आ गया मेरे हाथ में, छोटा सा क्लेम, इसे फेंक देते हैं, बस स्नेल को रखेंगे हम। ये देखो पूरा दुबकी लगा लगा के। हेलो। हम लोग पूरा स्नेल पकड़ रहे थे दोस्तों और बिल्कुल शाम हो चुकी है, अभी सूरज भी डूब चुका है, देख सकते हैं। और हमें कितने मिले हैं ये देखो, इतने सारे मिले, इस तरह कम मिले बट काफी है, इतने सारे काफी है। वो क्या बोलते हैं, पम्पकिन के साथ पकाएंगे। और यहाँ पर क्या करके चिड़िया जा रहे हैं। बिल्कुल शाम हो चुकी है, अभी जा रहे हैं मैं और अमित दोस्त, ज्यादा तो मिले नहीं बट काफी है, जितना भी मिले हैं उतना मैं खुश। अभी घर भी पहुंच चुका हूं दोस्तों और स्नेल को मैंने भिगो के रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे एक रात तक भिगो के रखेंगे तो इसके अंदर में जो भी गंदगी वगैरह होती है सब निकल जाती है। और यहाँ पे स्नेल को देखिए, वाह पूरा दो दो सींग वगैरह है, तो इसे ऐसे भिगो के रखेंगे रात भर। अभी फिलहाल ढक के रख देता हूँ, कहीं भाग ना जाए ये लोग, उसका सुबह जो है अच्छे से इसकी साफ सफाई करके हम लोग पका के खाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और अभी मुझे जो है स्नेल को जो पकाने का कार्यक्रम है वो शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आज बहुत बारिश होगी लगता है मुझे। ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है, फिर भी अच्छा ही आज का मौसम, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। और यहाँ पे मम्मी जो है चूल्हे को एकदम बढ़िया से सजा रही है, क्योंकि ये टूट जाती है ना बीच बीच में, इसकी जो है रिपेयरिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे रहे मेरे स्नेल, कहाँ रहे? ये देखिए दोस्तों स्नेल पूरा भिगो के रखे हैं, जितनी भी गंदगी है सब निकल गई, अभी इसकी अच्छे से साफ सफाई करना पड़ेगा। वाह, अभी क्लेम भी रेडी है और यहाँ पे जो स्नेल हैं वो भी रेडी हैं, तो अभी इनकी साफ सफाई करते हैं। अब आप लोग को दिखाता हूँ कैसे सफाई करते हैं। इसमें जो है इसका पीछे वाला हिस्सा को जो है काट के फेंकना होता है, ताकि जो है ये जो निकालने में आसानी हो, इसके जो अंदर में है ना खाने वाला चीज। तो अभी करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू। अभी पूरा काते जा रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। अभी ये जो है सफाई की है, पानी में भिगो के रखा है अभी फिलहाल के लिए, ये वाले अभी बस थोड़े से ही बचे हैं, अभी हो जाएंगे, उसके बाद तो पूरा खाएंगे। आज बहुत दिन हो गए खाने का मन कर रहा था। वो जो प्रेम दोस्त लोग के साथ जब उठा के लाए थे ना, वो थोड़ा सा अच्छे नहीं थे, लेकिन इस वाले बहुत टेस्टी होंगे मुझे लगता है।
अभी देखिए दोस्तों, सारे जो स्नेल है मैंने उनकी साफ सफाई कर दिया है। अभी बिल्कुल जो है साफ सफाई हो चुके हैं। अभी पकाने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। हम लोग जो है इसको मिला के पकाएंगे पम्पकिन के साथ। यहाँ पे रहा पम्पकिन दोस्तों, तो इसी पम्पकिन के साथ हम लोग पकाएंगे। आज जो है राइस ग्रेवी नहीं देंगे, राइस ग्रेवी का काम जो है ये पम्पकिन करेगा। लगता है ये पम्पकिन बहुत ही टेस्टी होगा। एकदम ग्रीन ग्रीन है ना अंदर में, ऐसे वाला बहुत टेस्टी होते। मुझे उतना अच्छे से छिलने नहीं आ रहा था, जेरी को आना पड़ा देखो छिलने के लिए। ऐसे ग्रीन ग्रीन जब रहेगा बहुत ही टेस्टी होती है। ग्रीन ग्रीन रहना पड़ता है बोला, मैं तो पूरा पीला कर दिया था इसको। अब जेरी ने तो छील दिया है, अभी काटने का बारी मेरा। ये देखो टेस्टी होगा, सच टेस्टी होगा ना, दिखने से पता चल जाती है देखो। और इसमें सीध भी कम है, सीध भी कम है, सीध भी कम है। दो हो गया, तीन, पांच पीस निकलेगा। पम्पकिन भी हो चुका है रेडी और यहाँ पे स्नेल भी है रेडी। अभी बस पकाना है दोस्तों। अभी पकाने के लिए मैंने कढ़ाई भी दे दिया है तावे पे दोस्तों, और यहाँ पे दे दिया है नमक और हल्दी, और इसमें मिलाएंगे हम लोग ड्राई फिश, नमक, हल्दी एंड मिर्च, बस इसी के साथ पकाएंगे हम लोग। यहाँ पे रेडी है पम्पकिन। चलो, और आज जो है आज का स्पेशल ये भी होगा बॉयल, इसे ये क्या कहते हैं स्नैक गार्ड ना क्या कहते हैं ना ये वाला, तो ये भी हम लोग बॉयल करके खाएंगे। यहाँ पे जेरी ने ऑलरेडी चावल बिठा दिया है, अभी लगता है ये गर्म हो चुका है, तेल देने का टाइम आ चुका है। चलो अभी तेल दे देते हैं, यहाँ पे रेडी है ऑलरेडी। अभी इसे पक रहा है, काफी देर हो चुका है दोस्तों, तो अभी जो है इसके ऊपर हम दे देंगे पम्पकिन। उसका पम्पकिन को भी थोड़ा देर पकाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मतलब पकाने के बाद हम लोग इसमें देंगे पानी। अब इसमें पानी देने का टाइम आ चुका है। वाह, बस इतना काफी है। अब जो है ये लगभग पक्के हो चुका है तैयार, लेकिन ये जो झूल है दोस्तों अभी अभी भी मतलब ग्रेवी नहीं हुआ, देख सकते हैं एकदम पतला सा लग रहा है। तो इसे ग्रेवी बनाने का तरीका ये रहा। हमारे पास है पम्पकिन, तो पम्पकिन को ऐसे चम्मच से जो है ग्रेवी बनाना पड़ेगा। इसे जो है ऐसे चेप चेप के, देख रहे हो ना तकनीक। ये तो पक्के हो चुका तैयार, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा 2 मिनट और पकाऊंगा मैं। और यहाँ पे जो स्नेक गार्ड है वो भी बॉयल हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल सादा पानी में बस नमक देके बॉयल, प्योर बॉयल दोस्तों। पक्के हो गया तैयार, बहुत ही भारी है रे बाबा। ये रहा टेस्टी टेस्टी पम्पकिन विथ स्नेल। अभी हमारा लंच करने का टाइम हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मेरा स्पेशल स्नेल और यहाँ पे कुकुम्बर की सलाद बनाएगी जेरी। जेरी ने रेडी करके रख दिया है, तो अभी मिक्स करता हूँ मैं। यहाँ मिर्च की चटनी रहा और यहाँ पे रहा कुकुम्बर, कुकुम्बर की सलाद के लिए जेरी ने पूरा रेडी करके रख दिया। यहाँ पे जो है पूरा रेडी सभी लोग खाने के लिए। यहाँ पे हमारे इधर में आंटी भी आई है, आंटी को भी दिया हम लोग ने लंच, और यहाँ पे मम्मी, और अभी जो है यहाँ पे आज का स्पेशल सबसे पहले तो मैं यहाँ से खाऊंगा। ये देखो आज का स्पेशल स्नेल रेसिपी, वाह मजा आएगा। ये एकदम बड़े बड़े वाले ले लेता हूँ, ये देखो
अभी स्टार्ट करते हैं खाना। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये वाला निकलता है, इसे फेंकना पड़ता है। क्या ही टेस्ट है, इसके अंदर में एक ये वाला निकलता है, इसे फेंकना पड़ता है, बिल्कुल काला वाला। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। क्या ही टेस्टी हुआ है यार, खाने का मन हो रहा है मुझे भी। यहाँ पे रहा मेरा थाली, तो यहीं से खा रहा हूँ मैं बार बार। ये देखो क्या ही टेस्टी है यार। और ये स्नैक गार्ड, अभी खाते हैं। और फिर से दोबारा लिया हूँ एक्चुअली पहले वाले, ये देखो यहाँ पे फिनिश कर दिया मैंने, अभी फिर से खाते हैं। ऐसे फेंकना है, इसमें जो काला वाला एक चीज आता है जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में मुगुदी कहते हैं, देखो इसे जो है चुम्मा देना पड़ता है बार बार। क्या ही टेस्टी है यार। और ये स्नैक गार्ड, स्नैक गार्ड का बॉयल, इसमें मिर्च की चटनी में इसे मिला के। चीयर्स। हम लोगों का लंच भी हो चुका है दोस्तों, बहुत ही मजा आया, स्नेल के साथ खाया तो एकदम बढ़िया, इतने दिनों के बाद खाया ना। आप लोग भी जरूर से ट्राई करना, कभी अगर ट्राई नहीं किया है तो जरूर से आना मेरे घर पे, आ सकते हो ट्राई करने के लिए, तो जरूर से ट्राई करना, लाइफ में एक बार जरूर से ट्राई करना बनता है। तो अभी यहाँ पे देखो आंटी जी लोकल हुक्का पी रही है, और यहाँ पे मम्मी फिर से चूल्हे को जो है कुछ कुछ कमियाँ रह गई थी उनको पूरा कर रही है। अभी मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, अभी जाना पड़ेगा मुझे एटीएम पे, क्योंकि हमारे इधर में अंकल का पूजा हो रहा है कल, तो उन्होंने कुछ हेल्प मांगा है मुझसे, तो मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा उसे 5,000 रुपया, तो इसलिए मुझे एटीएम से निकाल के लाना पड़ेगा। और यहाँ पे मम्मी को देखो, आंटी जी एक्चुअली आई है हमारे घर पे, ये देखो तेरे रूथ, ये जो है हेलेसोट, यानी कि खाने में मजा, ये देखो ये जो है आंटी जो है बाजार में जाके बेचेगी। कितना है किलो आंटी? हाँ सर 15,000। एक किलो का कितना रुपया? 100 रुपया। अच्छा तो एक किलो का है 20 रुपीज़। तो ये मम्मी का कमाल है, मम्मी खेत करती है तो उससे जो है जो भी मतलब निकल के बेचते हैं वो पैसे मम्मी को ही जाते हैं। चलो अभी मुझे अपना बसंती लेके जाना पड़ेगा एटीएम में, एटीएम से पैसे निकाल के लाना पड़ेगा, क्योंकि अपना ब्लैक पैंथर भैया के पास है, अभी भैया गए हुए किसी काम से तो इसलिए भैया लेके गए हैं। लकी हूँ दोस्तों, भैया वापस आ चुके हैं और अपना ब्लैक पैंथर यहाँ पे है, तो इसी के साथ जाऊंगा। ब्लैक पैंथर चलाते चलाते मतलब स्कूटी पकड़ने से आराम नहीं आता है मुझे। और बुज्जी भी यहाँ पे है, बुज्जी वाह मानवी देखो चावी ला रही है, थैंक यू मानवी। चलो बुज्जी जाओगे? हाँ तो अभी मैं गया था एटीएम, तो वहाँ से पैसे वगैरह सब निकाल लिया, तो सीधा आया हूँ पंपमुआ के रिजॉर्ट पे। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, देखो ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, नहा रहे हो? 10 दिन से नहाया नहीं सर। वाह 10 दिन से सच्ची? वाह ओए रिजॉर्ट के अंदर में स्कूटी लेके गया था पूरा। उसका राहुल को मत बताना। मैं गया था एटीएम। वाह बूढ़ी भी लो, ये देखो बूढ़ी सलमान खान, हाय मेरी चर्री, ये तूने क्या कर दी, काम से जिम में जाने वाले हम लोग। वाह यहाँ पे देखो गिरा दो, गिर गया। कमान कमान पम पम जंप जंप जंप, वो हेरा फेरी से बाबू भैया, हेरा फेरी का बाबू भैया, ओ कृष्णा गोदावरी नमस्ते।
अभी हम पहुंच चुके हैं तालाब में, मैं और अमित दोस्त फिशिंग करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं फिशिंग रॉड भी रेडी है, और मैंने जो ऑनलाइन फ्रॉक मंगाया था ये देख सकते हैं, बिल्कुल नकली वाले फ्रॉक। तो इसी के साथ आज हम लोग फिशिंग करेंगे ये वाला तालाब पे। तो मैंने पूरा फ्रॉक को लगा दिया है, ये जो ऑनलाइन ऑर्डर दिया था मैंने, तो यहाँ पे छोटे छोटे पड़ गए फ्रॉक, इसलिए मैंने 3 एक ही साथ में लगा दिया है। तो देखते हैं इसमें पकड़ते हैं कि नहीं, जो स्नैक हेड फिश होते हैं उन्हीं की फिशिंग करेंगे आज हम लोग। चलो देखते हैं ना। हम लोगों ने यहाँ पे काफी देर फिशिंग कर लिया, एक भी नहीं मिला, बहुत ही बैड लक है। तो मेरा जो मशीन है उसमें खराबी आ चुकी है, ये वाला जो मशीन है ना इसमें खराबी है, तो चेंज करना पड़ेगा जाके। और यहाँ पे पंपमुआ भी पहुंच चुका है, अभी हम लोग कहीं पे जाएंगे फिर से ना। हाँ। यहाँ पे तो काम नहीं हुआ, ठीक है कहीं यार चलते हैं। मैं आने से मिल जाना था। हाँ तू आ गया फिर, इसलिए बुला के देखो एकदम फास्ट। अरे आया इसलिए नहीं मिला है कि नहीं? एकदम सही बोला। चलो अभी चलते हैं। अभी घर पहुंचा हुआ, काफी देर हो चुका है दोस्तों, और अंकल को जो है मैंने पैसे वगैरह दे दिए, क्योंकि उसके घर पे जो है कल सुबह पूजा शुरू होगी, तो कल हम लोग जो है पूजा पे जाएंगे वहाँ पे। और अंकल लोगों ने हमारे इधर में फ्रिज में क्या रखा है देखिए, लोगों को पिलाने के लिए कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे पूरा बर्ती है, ये सब जो है उन्ही लोगों का है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गाँव में फ्रिज वगैरह नहीं है हमारे इधर में इतना, तो सामने में हमारा घर पे फ्रिज है, तो ये पे ठंडा मतलब रख दिया है कोल्ड ड्रिंक। तो कल जाएंगे अपना फ्रिज में रखा कोल्ड ड्रिंक हम लोग भी पियेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।